हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद स्वाती। तो आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको पिज्ज़ा खाने का मन करे तो इंस्टेंट आप इसे 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बाहर से ऑर्डर करने पे भी ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट्स लग जाते हैं, तो आप इसे घर में 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउल में टोमेटो सॉस ले रही हूँ। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं टोमेटो सॉस से। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच टोमेटो सॉस लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन चॉप्ड करके डाल रही हूँ, बहुत बारीक चॉप्ड करके डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो डाला है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक ले लिया है, क्योंकि टोमेटो सॉस मीठा होता है, तो इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे नमक डाला है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है और यहाँ पे हमारा होममेड पिज्ज़ा सॉस बन करके रेडी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्केट से रेडीमेड पिज्ज़ा बेस लिया है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ हमें पिज्ज़ा सॉस लगाना है, जो अभी हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पिज्ज़ा सॉस डाला है और इसे अच्छे से चारों तरफ किनारे तक अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से सॉस को स्प्रेड कर दिया है। पिज्ज़ा सॉस लगाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे मोजरेला चीज़ मैंने लिया है। अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसे चारों तरफ से चीज़ भर करके डाल देंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का मज़ा तो चीज़ से ही आता है। तो यहाँ पे मैंने भर करके चीज़ डाल दी, आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वेजेज डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, इन तीनों को डाइस करके छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है और इन सभी को थोड़ी थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ, उसके बाद टमाटर और प्याज भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च इस तरीके से रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर भी डाल दे रहे हैं। आप इसमें अपने मनपसंद के वेजेज डाल सकते हैं, कॉर्न, पनीर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जियों में पसंद हो वो इस पे ऐड कर सकते हैं आप इस तरीके से। और इस तरीके से आपको डेकोर कर देना है। तो उसके बाद टमाटर डालने के बाद मैं इसी तरीके से बीच बीच में जो प्याज भी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिज्ज़ा के ऊपर वेजेज डाल दी और इस तरीके से डेकोर कर लेना है। अगर आप चाहे तो वेजीज को बटर में सॉटे करके भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी मैंने बनाया, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस तरीके से आपको शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे वेजीज डालने के बाद ऊपर से मैं फिर से चीज़ डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीज़ आप अपने मनपसंद से जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर से फिर से मैंने चीज़ भर करके डाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरलोडेड चीज़ पिज्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमें ओवन में बेक नहीं करना है, मैं यहाँ पे कढ़ाई में बेक करके दिखाऊंगी। तो इजीली आप, अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में घी या फिर बटर अच्छे से स्प्रेड करके ग्रीस कर दिया है, अच्छे से लगा दे प्लेट। उसके बाद इसी प्लेट में हमें बेक करना है। तो उसके बाद हमें इस प्लेट में पिज्ज़ा डाल देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया, अच्छे से प्री हीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको सावधानी से प्लेट हटाना है, मैंने यहाँ पे कपड़े से पकड़ के हटाया। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेट या कटोरी या फिर स्टैंड जो भी हो, इस तरीके से आपको रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे पिज्ज़ा वाला प्लेट रख देना है। आप चाहे तो इसके नीचे नमक भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पिज्ज़ा कढ़ाई में डाल करके इसे कवर कर देना है लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, बस इसे बेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बेक होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मज़े का पिज्ज़ा बन करके रेडी है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। और हाँ, यहाँ पे आपको इसे बहुत ज़्यादा देर तक बेक नहीं करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट डिलीशियस पिज़्ज़ा बन करके रेडी है। उसके बाद आप इस पे चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो डालते, और उसके बाद कौन किसका वेट करता है, तो आप इसे इंस्टेंट बनाओ और जल्दी से उठाकर खाओ। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंट डिलीशियस पिज्ज़ा बन करके रेडी है। और यहाँ पे आप इसे इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करके कट कर दे और उसके बाद आप इसे इंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी खाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस भी अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो गया। तो ये पिज्ज़ा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है।
कभी भी पिज्जा खाने का मन करे तो बस इसे 5 से 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हो। और यहाँ पे आपका डिलीशियस पिज्जा बन करके रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेम्प्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।